वकार इंदर मेरा नाम, बिन परियों के नाच के नहीं मुझे आराम। नाचो गाओ रंग रलियां मनाओ जवानी दो दिन की। बचाओ बचाओ धरती का, बचाओ बचाओ। नींद खराब करने के लिए आए हो, क्या हो गया है तुम्हें? जरा दम लेने दो भैया जी, मैं सब कुछ बताता हूँ। बेटा एक गिलास पानी लाना। मालूम होता है आज फिर ज्यादा चढ़ा लिया तुमने। जब हजम नहीं होती तो पीते क्यों हो झक मारने के लिए? भैया के सर की कसम मैं नशे में नहीं हूँ। पूरे चार दर्जन भूत थे, भूतों की फौज और मैं अकेला। मार मार कर कचूमर निकाल दिया है मेरा। नमस्ते कहना भूल गया था भैया जी। अच्छा सुबह मुलाकात होगी। आप मेरे पलंग पर सो जाइए। और तुम? मैं छत पर चली जाती हूँ। अकेली? मुझे डर नहीं लगता बापू। डरने की क्या बात है भैया जी? जाने मेरा अफसाना क्यों गाए दिल उल्फत का तराना। दुनिया क्या जाने मेरा अफसाना क्यों गाए दिल उल्फत का तराना। दुनिया क्या जाने कहीं तो पिया मैं हूँ कहीं। नींद ना आए दिल बस में नहीं, तू है कहीं तो पिया मैं हूँ कहीं।
कटे न बिन तेरे पिया, आ जा के ले नहीं लागे जिया। रात कटे न बिन तेरे पिया, आ जा के ले नहीं लागे जिया। छेड़ दे मुरली आके जरा, हो, हो, हो तेरे संग गाऊं मैं ऐसा गाना, सुन सुन के जिसको नाचे जमाना। दुनिया क्या जाने मेरा फसाना, क्यों गाए दिल फुल पत का तराना। दुनिया क्या जाने माला, तुम यहां इस वक्त आधी रात गए? तुमने बांसुरी बजाई सो मैं चली आई। जब इसकी आवाज सुन पाती हूं सुध-बुध भूल जाती हूं। नहीं जानता था कि इस गांव की राजकुमारी को एक गरीब की बांसुरी इतनी पसंद आएगी। तुम अपने आप को गरीब क्यों समझते हो? अगर मैं राजकुमारी हूं तो तुम राजकुमार हो। शायद तुम भूल गई हो कि मैं एक बदनसीब परदेसी हूं। तुम परदेसी थे मगर अब मेरे दिल के मालिक बन गए हो। माला, स्वरूप, रात आंखों ही आंखों में बसर हो गई। देखते ही देखते सुबह का सितारा निकल आया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। फिर कब दर्शन होंगे? कल रात यहीं पर। नहीं माला, मैं ये नहीं देख सकता कि तुम्हें मेरी खातिर रात को घर से निकलना पड़े। तुम वहीं रहना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। तुम आओगे? बहुत अच्छा, मैं छत पर सोती हूँ,
रेशम की डोर लटका दूंगी, उसी के सहारे चले आना। चांद की ठंडी छांव में बैठकर मीठी मीठी बातें करेंगे। बहुत अच्छा। कदम उधर उठाती हूँ, दिल इधर खींच कर ले आता है। मैं क्या करूं? किसी के देखने से पहले तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए रानी। मोहब्बत का फूल बदनामी का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाऊं? बहुत अच्छा, चली जाती हूं। नमस्ते। नमस्ते। पकवान पका रही हो बेटा? जीती रहो। सूखी रोटियां चबाते चबाते दाढ़ में दर्द हो गया है, ला तो गर्मा गर्म खाई लूं एक आध। पहले निबट कर तो आइए आप। ये बात है, जब तू गया और आया, मेरे पराठे पर जरा घी चोखा लगाना, चबाने में आसानी रहेगी। ओहो, तो रानी अभी तक चूल्हा चक्की में लगी है। अजी आधा दिन चढ़ाया, मेले में नहीं चलोगी क्या? तुम लोग जाओ, मुझे अभी बहुत काम करना है। काम करना है? सुबह उठकर क्यों नहीं कर लिया? चलो उठो सीधी तरह। जिद ना करो जमुना, मैंने कहा ना अभी फुर्सत नहीं। हम एक नहीं सुनेंगे, जाना ही पड़ेगा। लो बेटा मैं निकट आया, ला तो गर्मा गर्म। नमस्ते मामू जी। नमस्ते मामू जी। नमस्ते मामू जी। मामू जी राम राम। सुना था आपको भूतों ने घेर लिया था। अरे भूत ससुर क्या घेरेंगे मुझे, 100 भूतों का मैं खुद भूत हूँ। एक बात तो बताइए। फुर्सत में आना, हट, मेरा पराठा ठंडा हो रहा, घी जम गया तो खाने का मजा जाता रहेगा। हाय हाय। पी 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 पी। म्याओ म्याओ म्याओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जुग जुग जियो, आज खाने का स्वाद आएगा। मैंने कहा बेटा, भूल से कहीं तवा तो नहीं रख दिया है मेरे सामने? पराठा है मामू। भैया जी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, पहले उन्हीं को खिला दे। मिलने का वादा कर गए मुझसे वो दिन ढले, सूरज तू आज जल्द चला जा जमीन तले। बिस्तर तैयार है मामू, आराम कीजिए। मेरा ख्याल तो आज छत पर सोने का है बेटा। छत पर? नहीं नहीं मामू, यहाँ सोइए ना, नरम नरम बिस्तर देखिए तो। दरअसल मुझे रात को जोर जोर से खर्राटे लेने की आदत है, जिससे भैया जी की नींद खराब होती है। मैं ऊपर खुली हवा में ठीक रहूंगा। अच्छा भैया जी आराम कीजिए, सुबह मुलाकात होगी। मगर मामू जी सुनिए तो, इन्हें रात को पानी वानी की जरूरत पड़ती है और मैं ठहरा अफीमी घोड़े बेच कर सो जाता हूँ। मेरा ख्याल है तुम यहीं सो जाओ बेटा। राम राम भैया जी। नहीं नहीं आप ऊपर मत जाइए, सुनिए तो, सुन तो लीजिए। मामू ठीक कहते हैं बेटा, मेरी देखभाल के लिए तुम्हें मेरे ही पास रहना चाहिए। जी Ha 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 ha.
चुन चुन कलिया सेज बिछाया अज बेदर दिया जा आजा बेदर दिया जा कर रहा था बच्चू घी के पराठे ऐसा नहीं हुए अब बचकर कहां जाएगा मैं तुझे जेल करा दूंगा पकड़ो पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 भागने ना पाए क्या हुआ मामू ढूंढो तो बताता हूं वो यही कहीं भाग कर आया ढूंढिए भागने ना पाए कौन आया था किसको ढूंढ रहे हो क्या बात है अजीब वही लफंगा कौवे उड़ाने वाला मेरे होते इस घर में डाका डालने आया ढूंढिए वो यही होगा मामू ने आज फिर भंग ज्यादा पी ली थी बापू सपना देखा होगा सारे मोहल्ले को सर पर उठा लिया है जब तक भंग और अफीम नहीं छोड़ेगा ऐसी ऐसे सपने आते रहेंगे पागल कहेगा आप लोग मुझे पागल समझते हैं मगर मैं फिर कहता हूँ वो यही है इसी घर में मौजूद है भागने से पहले गिरफ्तार कर लो नहीं तो टापते रह जाओगे भैया जी अब क्या उठा पटक कर रहे हो कोई होता तो हमें दिखाई ना देता मतलब ये कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सर फिर गया है मेरा सर भी फिर गया है और बुद्धि भी चौपट हो गई है तुम मोहल्ले में नाक कटवा कर रहोगे हमारी सीधी तरह चलो अंदर भैया जी के सर की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं जानता हूँ तुम झूठ कभी नहीं बोलते बदमाश ने उल्टा मुझे को झूठा बना दिया मगर ठहरिए मैं अपनी सच्चाई दिखाकर रहूंगा अब रात के बाद मुर्गियों को उड़ाएगा दूसरा फिर गया तेरा चल अंदर चल भैया जी मैं कहता हूँ जबान बंद कर ये मेरी इज्जत का सवाल कोठे पर सोने गया था चल सो जा चुपके से मगर ठहरिए मैं जरा टोकरा देकर आता हूं बड़े ही ढीठ हो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहां से मुझे ये लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं मैं तो खैर चला ही जाऊंगा मगर अपनी लाडली के पांव में बेड़ियां डाल दो वरना उल्टे उस तरह से हजामत हो जाएगी भैया जी तुम जाओ लड़की की हिफाजत मैं आप कर लूंगा अरे ये कंबख्त काना कहाँ जा रहा है चलो देखे तो सही चलो चल।
मामूजी नमस्ते। मामूजी राम राम। जयराम जी की मामू। पाए लागू मामू। हाथ में लोटा और बगल में बिस्तर। मालूम होता है आप इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। मालूम होता तुम अंधी भी हो। अरे पगली, ये तो नदी पर जा रहे हैं, नदी पर मछलियाँ पकड़ने के लिए, डूब मरने के लिए। डूब मरो तुम और तुम्हारे साथ ये सब चुड़ैले। बदतमीज कहीं की, जब देखो दिल लगी, जब देखो मजाक, जैसे मैं इन्हें पागल दिखाई देता हूँ। हटो रास्ते से। सारा चढ़ावा दिखाई देता है और हमारे हाथों में खुजली भी हो रही है। तो फिर चलो। आजकल की छोकरियों से भगवान बचाए, जीना मुश्किल कर देती है भले आदमी का। मेरा बस चले तो एक एक का भुर्ता बना दूं, चक्की में पीस डालूं, नाक में दम कर दिया है। राम राम राम। नाराज हो गए मामू, माफ कर दो हमें। हटो जी, काम करो अपना। लाइए इधर, ये मुझे दीजिए। अरे ये सब क्या है? अरे 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 हटा हटा, मुझे मुट्ठी चंपी की जरूरत नहीं। नाराज क्यों होते हो मामू? बस जी, बहुत सता लिया मामू को। अब इन्हें खुश करने के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाने चाहिए। मगर ये पराठे पकाएगा कौन खुश नसीब? अब फैसला यूं हो सकता है कि मामू की आंखों पर पट्टी बंधे और मामू जिसका हाथ थाम ले वो खुश नसीब, बाकी बद नसीब। भाई मंजूर है? मंजूर मंजूर मंजूर। अरे ये क्या? अरे कहाँ है तू? अरे बदतमीज, अरे किसी ने मारा? खैर तो साहब, तुम बख्त कौन है? किधर गई? अरे तेरा सत्यानाश, अरे तेरा सत्यानाश, तू बहुत तेज, अरे बात, अरे तू बहुत तेज आ रही। कौन है तू? खैर तो किधर किधर गई तू? तेरा सत्यानाश, तू कहां से आगे मरने के लिए? चल भाग। शाम हो गई, सूरज कई बार निकला और कई बार डूबा, पर वो नहीं आए मेरे बेजबान साथी। जुदा किसी से किसी का कभी हबीब न हो, ये दाग वो है कि दुश्मन को भी नसीब न हो। माला? माला नहीं, तुम्हारी खाला। ओ आप जी। कहिए मजनू महाराज, क्या हाल है आपका? जी अच्छा हूँ, लेकिन मुझसे जरा दूरी रहिए, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल का क्या हाल है? बीमार है। तो फिर चलो तुम्हें हकीम के पास ले चलो, मर्ज बढ़ गया तो इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। ये रही लकड़ी, ये रहा प्याला, हा? ले लो, शर्माते क्यों हो? हाँ अच्छा, और मेरे कंधे पर हाथ रखो और चले आओ नाक की सीख। अच्छा अच्छा चलिए। सौभाग्यवती, लोक और देव दर्शन के लिए आगे बढ़ो, चरणों में सर झुकाते ही तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। भगवान तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे। देवी